नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कांग्रेस के युवा नेता कांग्रेस सत्येंद्र वर्मा ने हमारे संवाददाता अभिषेक अग्रवाल को बताया कि प्रत्याशी की हुई घोषणा को लेकर वार्ड नंबर 25 में बोलने में क्षेत्रीय नेता द्वारा ली गई आपत्ति को लेकर कांग्रेस कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उसको लेकर क्षेत्रीय नेता में काफी रोष है और उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को अवगत भी कराया था कि चुनाव कोई भी लड़ेगा, लेकिन खुले मंच से इसकी घोषणा करने को लेकर लोगों में रोष व्याप्त होता है। खुले मंच से अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने की थी घोषणा, जिससे कांग्रेस नेता के खिलाफ आपत्ति ली गई थी। उसको लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग है और भंग कार्यकारिणी के अघोषित और बिना पद वाले भंवर शर्मा द्वारा नोटिस दिया गया, जिसका मैंने सोशल मीडिया में संलग्न है, जिसमें तारीख भी गलत है। दबाव की राजनीति कर रहे विनय बाकलीवाल 15/2/2021 अनपढ़ प्रवक्ता द्वारा मुझे दिया गया, जो खुद विनय बाकलीवाल के कहने पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से उगाही करते रहते हैं। पार्टी नेतृत्व को इसकी शिकायत करता रहूंगा और जो कांग्रेस जन विनय बाकलीवाल के द्वारा प्रताड़ित हैं वो मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी आवाज नेतृत्व तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। नितिन भाई, आपको एक नोटिस मिला है, उसका किस प्रकार का विरोध करना चाहिए? मुझे कांग्रेस कार्यालय से आज एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसका मैं सम्मान करता हूं, जिस पत्र का मैं सम्मान करता हूं, और इसका जवाब भी मैं मेरे तरीके से मेरे द्वारा दिया जाएगा। और मैंने कोई गलती नहीं करी है। जिस तरह से खुले मन से सार्वजनिक तौर पर अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि मैं इस बंदे को मेरी तरफ से 3 महीने पहले मैं विधानसभा चुनाव का टाइम लाके 3-4 मंत्रियों के साथ मैंने जिस तरह से मैंने टिकट उसी वक्त पक्का कर दिया था, और आज फिर इस टिकट को मैं पक्का करता हूँ और आप ही को टिकट मिलेगा। मैंने सिर्फ इसकी मीडिया आप सभी के सामने जिस तरह से बात खुले तौर पर उनके मंच से बोली गई थी, मैंने इसका सिर्फ कार्यकर्ताओं की मान हानि, कार्यकर्ताओं के दिल पर ठेस पहुँची थी। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, पर अगर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान घटेगा और उसका मान सम्मान अधिकार और हक और भाग्य मारा जाएगा, तो मैं एक नहीं अनेकों बार ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अनेकों बार ऐसे मीडिया में आऊँगा और अनेकों बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाऊंगा। क्योंकि अभी कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से, जिससे बीजेपी की बी टीम कांग्रेस कार्यालय से काम कर रही है। बीजेपी की बी टीम बोलती है तो ही टिकट होते हैं, अभी टिकट बिक रहे हैं। बल्कि चुनाव समिति अभियान समिति बनाई है कमलनाथ जी द्वारा, कमलनाथ जी ने जिस समिति में जिन लोगों को बोला है वो लोग भी अभी टिकट की घोषणा नहीं कर रहे हैं, पर हमारे माननीय शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी द्वारा ये घोषणा कर दी गई है सार्वजनिक मंच से, जिसकी मीडिया के पास भी रिकॉर्डिंग है और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। क्या लगता है आपको, जिसको टिकट देने की घोषणा की गई है वो क्या कांग्रेसी है या अभी वो भाजपा का कार्यकर्ता है? कई बार बीजेपी के मंच पे बैठा हुआ दिखा है, बीजेपी के नेताओं के पांव पड़ते हुए दिखा गया है, और उसकी क्षमता भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। वो चुनाव में पैसे लेके बैठ जाएगा, और मेरा तो सिर्फ उनसे कोई मान लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ अध्यक्ष जी से बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं झूठूँ, मैंने कोई गलती करी है, तो मैं आपको पार्टी फोरम पर लिखा पढ़ी करके जो कागज आपने जिस तरह से मुझे पहुँचाया वैसे आपको लिखित में जवाब दूंगा। पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अधिकार आप ना माने, आप प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चला रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस कार्यालय से 1 महीने पहले भी एक आरोप भी लगा था कि पैसे लेकर उनकी नौकरी के लिए काम कर लिया गया था, और पैसे उसको नौकरी नहीं लगी, तो फिर वो कमलनाथ जी के नाम पर पैसा लेते रहते हैं कांग्रेस कार्यालय से और ताले डाले रहते हैं आते समय तो कांग्रेस कार्यालय पर। वहाँ पर आजकल जो नेता वन बैठते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चलाते हैं, कांग्रेस किसी की बपूती नहीं है, आम कार्यकर्ताओं की देन है। जो नेताओं बन के बैठे हैं आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सह सचिव या महामंत्री जो भी बन के बैठे हैं आम कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाए गए हैं, और अगर कार्यकर्ताओं का हक मानेंगे वो, अगर हक मारने की इच्छा रखते हैं, तो फिर प्रत्येक कार्यकर्ता रोड पर आएगा। और मेरे साथ पूरे इंदौर शहर के कार्यकर्ताओं की फौज है जो इससे आते हैं कि विनय बाकलीवाल जी प्रत्येक वार्ड में जाकर अलग अलग तरह से लोगों को अलग अलग तरह से उपकृत कर रहे हैं। जब आपने टिकट पहले से बेच चुके हैं, आप बेच दिया है, तो फिर ढोंग क्यों कर रहे हैं अलग अलग वार्डों में जाकर कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं मीटिंग करा के लोगों से काम कर रहा हूँ। मेरा तो खुलक के विरोध है, और मैं इस मामले में और आगे प्रदर्शन भी करूँगा, और मैं सभी दूर जाऊँगा, और मैं इसका खुले मन से चुनौती भी करता हूँ उनको, खुले जैसे इस तरह से चुनौती करके उनने टिकट बांट दिए हैं। अब मैं पुरजोर विरोध करूँगा और सब मीडिया के सामने सच आएगा और सब लाभ तरीके का विरोध आप कहाँ पे करेंगे? मैं गांधी प्रतिमा बैठ के सत्याग्रह आंदोलन करूँगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लूँगा, और मैं अनेकों प्रकार के मेरे द्वारा जो किए गए प्रदर्शन है उसकी लिस्ट लेके बैठूंगा। और विनय बाकलीवाल थे कहाँ? कमलनाथ जी के अध्यक्ष बनने के बाद विनय बाकलीवाल जी रोड पर आ गए, इसके पहले आप बताएं विनय बाकलीवाल जी कहाँ थे? कौन जानता था उनको? हम अनेकों प्रदर्शन में, हजारों प्रदर्शन प्रमोद टंडन और दूसरे नेतृत्व में हमने काम करा है, पंडित जी कृपाशंकर शुक्ला के नेतृत्व में काम करा है। मैं तो कई समय से नहीं देखा हूँ कि विनय बाकलीवाल नाम का कोई आदमी अध्यक्ष पद के था, तो कमलनाथ जी के एक्टिव होने से वो आ गए और उपकृत हो गए। उसके बाद उन्होंने आज
बी टीम बना रखी है बीजेपी की, जो उनके साथ घूमती है, बी टीम काम करती है और बी टीम के बोलने पे खरीद फरोख्त करके टिकट बेच रहे हैं। और ये संगठित करने की बात करते हैं, अगर आप ऐसे जाके एक एक कार्यकर्ता को उपरत कर रहे हैं तो कहाँ से कांग्रेस संगठित होगी? कांग्रेस संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं सालों से, हम संगठित करने के लिए लड़ रहे हैं, अनेकों बार जेल गए, अनेकों बार कांग्रेस के आंदोलन में गए, प्रत्येक नेता के लिए, चाहे पिंटू जोशी का घर फूटा हो या जीतू पटवारी के लिए बस नहीं गई हो, बस राउत छोड़ा तक नहीं, हमने हर बार में गिरफ्तारी में दी और काम भी कराए। और अगर ऐसा लगता है कि विनय बाकलीवाल जी अकेले हैं और अकेले ही कांग्रेस चला लेंगे तो मेरे साथ अनेक कार्यकर्ता की फौज है, मैं कमलनाथ जी से जाके प्राइवेट मिलूंगा वहाँ पर कि यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चल रही है और ये कांग्रेस के अंदर ध्यान दें, नहीं तो पहले हम मुट्ठी पे गिने जिने चुने हुए लोग बचे हैं कांग्रेस में, आधे लोग तो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। और मेरा तो कमलनाथ जी से निवेदन है और इन सब लोगों से भी निवेदन ही करूँगा मैं जाके विजयलक्ष्मी साधो जी से कि आपकी जो टीम बनी है और आपको जो चुनाव अभियान समिति के अंदर अध्यक्ष बनाया गया है, और अगर आपकी आपके द्वारा एक अध्यक्ष पर्सनल खुद पैसे लेकर टिकट बांटते रहता है तो इसका पुनर्जो विरोध बार बार करूंगा। और कार्यकर्ताओं की अगर आवाज़ उठाना गलत है तो मैं प्रतिदिन 2400 घंटे कार्यकर्ताओं की रोज आवाज़ उठाऊंगा और इसी तरह निरंतर उठाते रहूंगा। ये लेटर किसने जारी करा है? ये लेटर मुझे कार्यकर्ता का कार्यालय के पाटिल साहब हैं जो काम करते हैं, वो मुझे फ़ोन करके अभी इस जगह पर देखे गए हैं लेटर और देखे गए हैं कि ये अध्यक्ष द्वारा गया है, अध्यक्ष द्वारा है कि भंवर सिंह, ये भंवर शर्मा जी के द्वारा है, जो प्रवक्ता है मुख्य प्रवक्ता उनके द्वारा लेटर भेजा गया है मुझे पाटिल साहब के द्वारा। और भंवर शर्मा जी के नाम पर कुछ दिन पहले पैसे की उगाही का आरोप लगा था कि उनने 51,000 रुपये किसी कार्यकर्ता से मंडल अध्यक्ष से ले लिए हैं और जिसकी लिपापोती करके उनने पैसे लेन देन करके उसको बिठाया, उसकी कटिंग मेरे पास उपलब्ध है। और कई चीज़ें हैं जिस तरह से बी टीम काम कर रही है तो वो तो सब पता पड़ जाएगा, सब पता लगा लेते हैं आप भी और अध्यक्ष जी भी, हमारे माननीय कमलनाथ जी भी। यार जो वार्ड 25 में जो बैठक हुई थी वो महिलाएं कहाँ से बुलाई गई थी, साड़ी वगैरह? वो महिलाएं साड़ियाँ बैठी थी आपके सामने, वो वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, मैं उसको पार्टी फोरम पर अध्यक्ष जी को रखूँगा। और वो महिलाएं पंचम की फेल और परदेशीपुरा और इस तरह से बुलाई गई थी और साड़ी बैठते हुए भी उनके पास वीडियो है और सब चीज़ें हैं और मैंने कोई गलत नहीं करा है, इन्होंने खुले मन से घोषणा करी है वहाँ साड़ियाँ बैठी हैं और जो मेरे ऑन रिकॉर्ड है। और ये जिस तरह झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कोई गलत नहीं बोला या मैंने ऐसा किसी का पक्ष नहीं रखा है, तो उस जगह हमारे माननीय प्रदेश सचिव राजेश चौकसे जी ने बाद में ये लिपापोती भी करी थी दादा के द्वारा कि भैया ये अभी सर्वे बाकी है और सर्वे की रिपोर्ट आना बाकी है। और मेरे ख्याल से तो आज मेरे द्वारा जो मेरा अंतर्मन बोल रहा है कि कोई सर्वे नहीं हो रहा है, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को धूमिल और सिर्फ धूल झोंकी जा रही है। अब आप बताएं 2 महीने बाद चुनाव है, कैसे का सर्वे आ जाएगा और कैसे का सर्वे हो जाएगा और कैसे रिपोर्ट सर्वे ओपन हो जाएगी 2 महीने में? आप बताएं, जनता के बीच कोई नहीं पहुँचा, आप बताएं आपसे कोई सर्वे वाला मिला है क्या? मुझे नहीं लगता है कोई सर्वे टीम चल रही है और सर्वे, ये तो झूठा झूठा आरोप है और टिकट लेके जैसे व्यापार हो रहा है, पैसे लेके ऐसे ही व्यापार करा जाएगा इनके द्वारा और टिकट बेचे जा रहा है, इनके अंदरूनी तौर पर टिकट बेचना है सीधे सीधे। और अभी तो मेरे द्वारा उठाइए, अब प्रत्येक वार्ड में आवाज़ उठेगी, प्रत्येक वार्ड में सम्मेलन होना, प्रत्येक वार्ड में ये आवाज़ उठेगी क्योंकि मेरे से कई कार्यकर्ता ओरिजिनल जो गरीब कार्यकर्ता हैं वो संपर्क में हैं और मैंने बाकलीवाल से पैसे वाले कार्यकर्ता संपर्क में है क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चला रहे हैं। मैं यतीन वर्मा, मंडलम अध्यक्ष 28, इंदौर।